दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, महागठबंधन की मीटिंग में नीतीश का बड़ा ऐलान, 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। जहां देखिए बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वहीं देखिए नीतीश ने कहा कि हमने काफी काम किया है, अब तेजस्वी आगे करते रहेंगे, आप लोग अब इन्हें आगे बढ़ाएं। नीतीश ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ लोगों से अपील कर सहमति ली है। बड़ी खबर में देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा रिजल्ट की डेट घोषित, 24 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जहां देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कल 13 दिसंबर को ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा के रिजल्ट की डेट घोषित कर दी है। आरआरबी ने बताया कि ग्रुप डी के लेवल 1 से 7 तक के लिए हुए परीक्षा का रिजल्ट 24 दिसंबर 2022 को घोषित किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रुप डी भर्ती के लिए सीबीटी का आयोजन कई चरणों में 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक किया गया था। इस परीक्षा से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीबीटी का रिजल्ट प्रक्रिया में है। ग्रुप डी रिजल्ट को 24 दिसंबर 2022 तक घोषित किए जाने की संभावना है। उन्होंने आगे लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी भर्ती में सफल होने की आशा रखते हैं, वे आगे की भर्ती प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में लेखपाल, एलडीसी और सहायक लेखा पदाधिकारी समेत कई पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू। जहां देखिए बिहार फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखपाल, गुणवत्ता न्यायंग एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थी का पैनल बनेगा जो कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 13 दिसंबर 2022 से bcac.bihar.government.in पर शुरू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहायक प्रबंधक के लिए 262, वहीं सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए 20 और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 133 पद शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2023 है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार 6 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में मैट्रिक इंटर परीक्षा का डेट शीट और टाइम टेबल जारी। जहां देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2023 में होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी सूचना के मुताबिक बिहार में मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी 2023 से जबकि बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की होने वाली परीक्षा का डेट शीट और टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्रा बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर जाकर अपना डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 14 मार्च 2023 से स्कूल हॉलीडे लिस्ट 2023 भी जारी। जहां देखिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 14 मार्च 2023 से होगी। प्रथम सर्वाधिक परीक्षा 18 जुलाई 2023, द्वितीय सर्वाधिक परीक्षा 26 दिसंबर और 10वीं जांच परीक्षा 23 नवम्बर से होगी। वहीं इंटर 11वीं परीक्षा की जाँच परीक्षा 3 मई से जबकि 12वीं की 27 अक्टूबर 2023 से होगी। प्रत्येक परीक्षा के 21वें दिन अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। स्कूलों में नए पाठ्यक्रम के आलोक में नामांकन 30 जून 2023 तक होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 के लिए अवकाश की घोषणा कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने मंगलवार को कुल 60 दिनों की अवकाश तालिका जारी की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नए साल से ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होगा जरूरी, 4 साल में मिलेगी डिग्री। जहां देखिए राज्य में नए साल से स्टूडेंट को किताबी ज्ञान के साथ अनुभव और सीखने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए अंडर ग्रेजुएट में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क प्राप्त करना होगा। लर्निंग आधारित इंटर्नशिप से गुजरना होगा। 2 सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट इंटर्नशिप कर सकते हैं। यूजीसी ने यह बदलाव नीति नई शिक्षा नीति के तहत किया है। यूजीसी ने 4-ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे लागू कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को इसे भेज दिया गया है।
नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार ग्रेजुएट कोर्स में अब इंटर्नशिप भी जरूरी होगी। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार पर तेजी से हो रहा है काम। जहाँ देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में तेजी से सभी विभागों में नियुक्तियां की जाएगी, 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराए। इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त किया कि वह जितनी तेजी से नियुक्ति करना चाह रहे हैं उस हिसाब से पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आगे देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी होती तो यहाँ और तेजी से विकास हुआ होता, पर राज्य अपने दम पर सभी लोगों के विकास का काम कर रहा है, यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके तरक्की उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्ति में महिलाओं की अधिक संख्या देखकर काफी खुशी होती है। बिहार में महिला पुलिस की संख्या 29,000 हो गई है, इतनी महिला पुलिस देश के किसी और राज्य में नहीं है। बड़ी खबर में देखिए, पटना में शिक्षक का विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, पुलिस से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सातवें चरण की बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जब देखिए, राजधानी पटना में मंगलवार को सातवें चरण की बहाली मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि वह लाठी डंडे खाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं, सिर्फ उन्हें एक अदालत नौकरी की जरूरत है। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे के रास्ते विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। इस दौरान उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा समझाया भी गया और रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज किया। आपको बता दें कि सभी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों का मार्च पटना का गांधी मैदान से राजभवन के लिए निकला था और डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों के प्रदर्शन से डाक बंगला चौराहा जाम हो गया और यातायात प्रभावित हो गया था। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। शहर में कूड़ा कचरा जलाते या बिना कवर निर्माण कार्य करते पकड़े गए तो 5 से 25,000 तक जुर्माना लगेगा। यह देखिए, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को देखते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। आप प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए विभाग के द्वारा सभी निगम और जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। प्रदूषण फैलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए, नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते पकड़ा जाता तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम सभी अंचल में टास्क फोर्स टीम को अलर्ट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर में कूड़ा कचरा जलाते या बिना कवर निर्माण कार्य पकड़े गए तो 5 से 25,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 9 जिलों में खतरनाक स्तर तक पहुंचे प्रदूषण। पटना में 399 हुआ एक्यूआई लेवल, दरभंगा की स्थिति सबसे खराब। जहां देखिए, पटना समेत राज्य भर में मंगलवार को भी प्रदूषण का स्तर काफी बड़ा हुआ दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़े के अनुसार राज्य में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बताई गई। वहीं देखिए, राज्य के 9 जिलों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। वहीं 8 जिलों में हवा बेहद खराब हो चुकी है। प्रदूषण का यह स्तर इन जिलों में मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और इससे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। दूसरी ओर में देखिए, दरभंगा में हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लगातार नया रिकॉर्ड बना रही है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा यही रही है। यहां का एक्यूआई लेवल 473 दर्ज किया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में हवा खतरनाक स्तर पर रही है उसमें बेगूसराय में 457, बेतिया में 406, छपरा में 420, कटिहार में 437, मुजफ्फरपुर में 424, पूर्णिया में 431, समस्तीपुर में 437, सिवान में 460 एक्यूआई रहा है। में देखिए, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। नीतीश कैबिनेट की 12 एजेंडों पर लगी मुहर। जहां देखिए, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। देखिए, कैबिनेट बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही देखिए, राज्य में खेल के विकास के लिए खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को अब 3 के बजाय 5 बार प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। यह नियम शहरी क्षेत्र में लागू होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के घरेलू उपयोगकर्ता को 100 रुपये तो इसकी बिक्री पर 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही दूसरी और तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानून में संशोधन किया जाएगा। खबर में देखिए, बिहार में 15 दिसंबर के बाद पड़ेगी कनकनी वाली ठंड। जहां देखिए, बिहार में इस साल दिसंबर माह में कई साल बाद मौसम बदला हुआ है। इस बार अब तक गुलाबी ठंड दिन व रात का तापमान में सामान्य से अधिक रहा है। अगले 5 दिनों तक मौसम में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन
मौसम विभाग ने 15 दिसंबर के बाद ही तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। वहीं देखिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों के सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत न्यूनतम तापमान उत्तर बिहार के मुकाबले कम रहेगा। वहीं देखिए पिछले 24 घंटे के दौरान गया के तापमान में लगभग 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और 9 डिग्री सेल्सियस के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं पटना के न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़ी खबर में देखिए पटना के गांधी मैदान में 15 दिसंबर से लगेगा बिहार सरस मेला, उद्यमिता से सशक्तिकरण थीम पर होगा आयोजन। जहाँ देखिये स्वाद संस्कृति परंपरा हस्तशिल्प और हुनर के विविध रंगों को अपने अंदर संजोए बिहार सरस मेले का आयोजन 15 दिसंबर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर होने जा रहा है। वही मेले का समापन 29 दिसंबर को होगा। हमारे देश के हर राज्य के स्वदेशी उत्पाद संस्कृति और परंपरा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साल 2014 से सरस मेले का आयोजन होता आ रहा है। बिहार सरस मेले का आयोजन बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अलग अलग थीम पर आयोजित होता रहता है। इस साल आयोजित सरस मेले का थीम उद्यमिता से सशक्तिकरण है। और देखिये सरस मेला में देश के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और शिल्पकारों की ओर से निर्मित उत्पाद हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियों की प्रदर्शनी सब बिक्री होगी। इसके साथ ही फूड जोन में देश और पारंपरिक व्यंजनों के विभिन्न राज्यों के स्टॉल और जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी के रसोई के स्टॉल भी होंगे। वहीं बच्चों के लिए फन जोन खास आकर्षण होगा। कार्यक्रम में देखिए चार राज्यों को जोड़ेगा हरा भरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार में जल्द निर्माण कार्य। जहाँ देखिए वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बिहार में जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से गुजरेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के 162.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना है। वहीं 22.4 किलोमीटर तक निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि 22.4 किलोमीटर से सड़क बिहार के कैमूर जिले में प्रवेश कर जाएगी। वहीं देखिए राज्य में रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए सड़क 184.7 किलोमीटर से झारखंड में प्रवेश करेगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होगा। मुगलसराय के बाद बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया जिले से होकर सड़क गुजरेगी। वहीं झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली होकर सड़क हावड़ा तक जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।